नमस्कार दोस्तों, अशुद्धि इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में मैं सिद्धू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक मिक्सर आया, देखिए मिक्सर आया हुआ है। ये मिक्सर बहुत आवाज़ कर रहा है, इसके बूस खराब है, तो आज मैं बूस डालने वाला हूँ, आपको दिखा रहा हूँ बूस कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये कपड़ा निकालेंगे, ये हमने कपड़ा निकाल दिया। दोस्तों, सारा सामान एक साथ ही रखना है ताकि गुम ना हो, और इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों, पहले से कड़छी निकाल लेते हैं। इसे टॉप कैसे खोल लेते हैं। समय खोल लिए, दोस्तों सारा सामान संभाल के रखना है, मैं सारा सामान एक साथ रख देता हूँ। अब हम मिक्सर का मोटर खोलते हैं। अब पता दोस्तों, हमारा बूस जाता क्यों है? बूस जाने के कारण ये दोस्तों, ये देखिए हमारा बर्तन खराब रहेगा और हम लोग चलाएंगे ऐसे ही। देखिए कितना मसाला भरा है इसके ऊपर, तो क्या बूस जाएगा? नहीं, क्या होगा बताओ? फिर बूझ जाएगा, आवाज़ करेगा, फिर मिक्सर जलता भी है इसी कारण से। देखिए कितना मसाला भरा हुआ है, इससे हमारे कस्टमर लोग ऐसे लेके आ जाएंगे। दोस्तों, खोलने से पहले हम कार्बन निकालेंगे, हम कार्बन निकाल लेते हैं दोनों साइड का। ये हमारा मिक्सर, देखिए इससे बॉल है, ये बॉल संभाल रखना है क्योंकि बॉल के बिना मज़ा नहीं आएगा, आवाज़ करेगी बहुत तेज। देखिए हमने बॉल संभाल के इधर रखते हैं ताकि बॉल गुम ना हो, इसके ऊपर रखता हूँ मैं। अब हम इसको बूझ क्या हुआ है, तो कचरा बॉल है इसके ऊपर, तो कचरा साफ करता हूँ। बाल वीर क्या क्या डालते रहते हैं लोग। दोस्तों, बूस डालने के कई तरीके हैं, कुछ जो रिपीट है, ये रिपीट के ऊपर ड्रिल मशीन ला चलाते हैं, उससे रिपीट निकालते हैं, कुछ लोग कटिंग करते हैं। मैं तो दोस्तों, ये हमारे पास एक स्क्रावर है और ये पकड़ हमें इससे कटिंग करता हूँ हमेशा, आपको दिखा रहा इस तरीके से। अगली बार डालूंगा बूस डालने का वीडियो, तो उसको डालूंगा मैं कटर उससे ड्रिल मशीन से। तो पहले मेरी तीन रिपीट देखिए, आपको तीन रिपीट दिख रहा होगा, ये तीन रिपीट कर देते हैं। यार मेरे तरीके से करिए, कवर आपको टूटेगा भी नहीं, जिस तरह बता रहा उसी तरह करिए, बस आप बिंदास निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये देखिए, उसके बाद नहीं क्या करना है आपको, इस पर हल्का से घास डालते हैं हम, ताकि क्या होगा रिपीट निकालने में आसानी रहेगी। आप दोस्तों इसको हल्का ठोक देंगे, जो पट्टी हमने रिपीट कटिंग किया ना, वो ऊपर आ जाएगा।
नीचे दोस्तों कुछ सपोर्ट रखा है, मैंने देखो सपोर्ट रखा है। आप डायरेक्ट होंगे तो बॉर्ड का पट्टी अभी टूट सकती है, ये बॉर्ड टूट सकता है, इसलिए हम हमेशा सपोर्ट रख के ठोकते हैं। ये देखिए हमारा एक पट्टी निकल गया है, ऊपर का पट्टी। अब फिर से इसको दिख रहा है, रिपीट फिर से ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये देखिए एक बार फिर कटिंग करेंगे इसको। देखिए दोस्तों अब ये पट्टी हमारा निकलने वाला है, ये देखिए पट्टी निकल गया। अब ये हमारा बुश भी निकल गया, देखिए। अब दोस्तों क्या करना है, रिपीट निकालना है अपने को। तो रिपीट निकालने से पहले एक बार इसको और कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पट्टी लगा रहता है वहाँ से इसको तीन बार पंच हो जाता है। ये देखिए इसे एक बार और कट करेंगे। ये देखिए कटिंग कर दिया हमने। दूसरा भी कटिंग कर दिया, तीसरा भी कटिंग कर दिया। आप देखिए दोस्तों इसके ऊपर सपोर्ट रख के इसको हम टोचा से ठोक देंगे और इसका रिपीट निकल जाएगा। मेरे पास टोचा है, कुछ लोग कोई नौकीला हथियारों से भी कर सकते हैं। ये देखिए हम तो इससे ठोकेंगे। दोस्तों नीचे सपोर्ट रखना जरूरी है, नहीं तो आपको एक और टूट सकता है। ये देखो हमने सपोर्ट रखा, इसे ठोक रहा हूँ मैं। अगर आपने ऐसे ठोका तो आपका कवर जाएगा, काम से टूट जाएगा फिर। इस बात का विशेष ध्यान देना आपको। दोस्तों रिपीट का भी जाम है, कभी कभी दोस्तों नहीं निकलता है ये, तो उसको डील मारना ही पड़ता है, और कभी कभी निकल जाता है। ये निकल जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। डरे नहीं, बिंदास ठोके। अगर आपने नीचे सपोर्ट रखा है तो आपका कवर कुछ भी नहीं होगा, और आपने सपोर्ट नहीं रखा है तभी टूटेगा ये। ये देखिए हमारा एक रिपीट निकल गया है, ऐसे बराबर सपोर्ट रखे, बिंदास ठोके, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए हमने दूसरा भी सपोर्ट रखा सही से, और हम बिंदास ठोकेंगे क्योंकि हमें पूरा भरोसा अपने काम पे। दोस्तों हमारा दूसरा रिपीट निकल गया है। धार ना होता है, इसमें धार नहीं है। थोड़ा सा फैल चुका है ये। दोस्तों अभी हम लगाएंगे इसके अंदर बुश, तो हम रिपीट नहीं मारेंगे, स्क्रू आएंगे। हाँ देखिए दोस्तों हमारा तीसरा भी रिपीट निकल गया है। अब हम बुश लगा देते हैं फटाफट। इसको रख देते हैं साइड में, अब इन सब की जरूरत मेरे को नहीं है।
यहाँ तो इस पर जंग लगा हुआ है, पहले हम साफ करते हैं। उसे आपको बुश डालना है एकदम परफेक्ट साफ डालना है, उससे प्ले रहेगा तो बुश डालने का कोई मतलब नहीं होगा। इसको दोस्तों ये जो साफ कटा हुआ है ये देख रहे हो आप, यहाँ चमक रहा है यहाँ नहीं चमक रहा है, तो इसके लेवल में लाना है इसको भी ऊपर वाले को, तो बराबर लेवल में ले बुश। हम फाइव मार रहे हैं, आप अगर आप फाइव मारिए बुश एकदम परफेक्ट साइज चला दिए, हम बुश निकाल लेते हैं। हमारे पास बुश है इधर, हमको कहीं खरीदने जाना नहीं है, मेरे पास सब भगवान की कृपा से सब रेडी पोजिशन में है। हाँ दोस्तों देखिए हमने बुश निकाल लिया है, एकदम प्ले थोड़ा भी नहीं है। हम बुश डाल लेते हैं, दोस्तों इसमें कापूस लगाना बहुत जरूरी है, तो हम ये कापूस भी लगाएंगे ताकि इसको ऑयल मिलता रहे, इसका भी ऑयल से भर देंगे, तो इससे क्या होता है ये बुश की लाइफ अच्छी रहेगी, बुश जल्दी आपका ख़राब नहीं होगा। इसलिए कापूस जरूर लगाएं आप भी, बुश को सेफ रखने में कापूस से बहुत बड़ा योगदान है। इसे बोलते हैं नमदा, कापूस नहीं बोलते हैं, सबका अपना ढंग है। फिर उसके बाद में उसके बाद दोस्तों पहले ये पट्टी लगाते हैं, देखिए गौर से, उसके बाद आपको ये पट्टी लगाना है, उसके बाद दोस्तों हम ये बुश स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों एक में रिपीट जरा हर बार क्लियर नहीं हुआ था, इसके थोड़ा टाइट जाएगा ये, हम तीन मिनट लगा देते हैं। इसको दोस्तों हम फटाफट टाइट कर देते हैं, हाँ दोस्तों हमारा ये टाइट हो गया, बुश टाइट हो गया, अब इसको हम फिर से फिटिंग करते हैं। हाँ दोस्तों हमारा टाइट है पट्टी, कोई दिक्कत नहीं है,
दोस्तों, सबसे पहले ये बॉल लगाएंगे और बॉल के ऊपर ये डालेंगे ऑयल, सिर्फ एक बूंद, हाँ ज़्यादा डालना नहीं है, नहीं तो इस पर आएगा कम्यूटेटर पे तो कम्यूटेटर शॉर्ट हो सकता है। इसके लिए सिर्फ एक बूंद डालना है ताकि वहाँ तक पहुँचे नहीं आपका ऑयल। अब इसको हम ऊपर से ऐसा लेंगे ताकि हमारा बॉल ना गिर जाए, आपको दिख रहा होगा, देखिए हमें डाल दिया है। अब इसको ऐसा लिए घुमा के देखते हैं फ्री है, हाँ फ्री है। इसके ऊपर फिर से एक बूंद ऑयल डालेंगे, हाँ दोस्तों फिटिंग करेंगे। ये आपका फील्ड वाला और ये वाला हमेशा एक साइज रहना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए। धीरे थोड़ा ठोक ठाक करना पड़ता है इसे बुझा लेंगे तो, कभी कभी जल्दी फ्री नहीं होता है, देखते हैं हमारा जल्दी फ्री होता है कि टाइम लेता है। पहले हम सब इसको लगा लेते हैं, दोस्तों स्क्रू सब टाइट करें। दोस्तों इसको फुल टाइट करें चार के चारों, ऐसा ढीला ना छोड़ें, नहीं चलेगा, वापस ठोका तो खुल जाएगा ये। इसके लिए फुल टाइट करें, हम सेटिंग नट हल्का ढीला करते हैं, बाद में इसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे इसको। ठोकना हो तो आराम से ठोकें, बहुत ताकत ना लगाएं, नहीं तो आपको बॉडी कमजोर है, ये टूट जाएगा। दोस्तों मुझसे कोई जल्दी टूटता नहीं है क्योंकि हमारा बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 26 साल से काम कर रहा हूँ 95 से। हाँ दोस्तों देखिए हमारा मिक्सर एकदम फ्री हो गया, ये देखिए एकदम स्मूथ घूम रहा है। अब इसको हम फिर से एक बार सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, प्ले नहीं होना चाहिए और आपका मिक्सर जाम भी नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए दोस्तों हमने एकदम प्ले भी नहीं है और जाम भी नहीं है, एकदम फ्री भी है। अब इसको हम फिट करते हैं जिसको फुल टाइट करते हैं। अब दोस्तों फिर से कार्बन लगा देते हैं। दोस्तों कार्बन कभी भी लगाएं तो ये ध्यान दें कि आपका कार्बन एकदम फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, अगर जाम रहेगा तो बराबर काम नहीं करेगा और स्पार्क करेगा। हमारा कार्बन फ्री है। अब देखिए दोस्तों इस साइड का भी लगा देते हैं, हाँ ये भी लगा दिए। अब इसको हम देखते हैं टेस्ट करके कि हमारा मिक्सर कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों आप बूंद डालना बहुत ही आसान है, बस आप खाली मेरे तरीके से डालिए। दोस्तों इसका कहीं रिपेयरिंग में दिया था कस्टमर ने, किसी दूसरे दुकानदार ने इसका एकदम हालत बिगाड़ के दिया है, तो पहले इसकी हमारा सही करते हैं फिर चालू करते हैं क्योंकि ये चलेगा ही नहीं। देखिए कैसे ज्वाइन किया लोगों ने, देखिए सबके काम पर ढंग है। दोस्तों मेरी आदत है हमेशा काम एकदम अच्छा करने का, हमको छुप पट्टी करना जमता नहीं है।
मेरे पास दोस्तों चार आदमी काम करते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई काम हमें एकदम अच्छा करना है, पैसे ग्राहक कम दे अथवा ज़्यादा दे उससे मतलब नहीं होता है, हम काम तो हमेशा अच्छे करेंगे। तो अगर आप दोस्तों मेरे दुकानदार हैं और मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप काम एकदम अच्छा करेंगे, कभी थूक पट्टी वाला काम ना करें। पहले हम सबको साफ कर लेते हैं। हाँ दोस्तों देखिए हमने वायर जोड़ दिया, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि सब क्या पोजीशन है। पहले दोस्तों हम चेक करेंगे सीरीज में, सबसे पहले दोस्तों कोई चीज रिपेयर करें पहले बॉडी चेक करें, बॉडी तो नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों बॉडी तो नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों हमारा विशेष चल रहा है, उसको हम लगाते हैं मेन में फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों बुझ जाना कितना आसान था, देखिए दोस्तों आवाज एकदम स्मूथ हो चुका है। अब इसको हम एक बार बॉडी फिटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये रबर लगाएंगे, ये रबर लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इस रबर का नाम दोस्तों गुरमिट है, गुरमिट। और दोस्तों वायर हमारा हमेशा स्विच की तरफ रखें, हमने वायर को स्विच की तरफ रखा है आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ग्राहक ये दुकानदार ये मिक्सर मुझसे लेके गया था ग्राहक के करीब 4 साल पहले, और फिर मेरे पास ही रिपेयरिंग में आया हुआ है। एक बार कहीं और रिपेयरिंग कराया लोगों ने। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं और सब वीडियो आपके काम के रहेंगे। आपको मेरा वीडियो देखने से आपका समय ख़राब नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आप तो ऐसे हल्ती फलती वीडियो बहुत सारे देखते होंगे जिससे आपका समय व्यस्त होता होगा, लेकिन मेरे वीडियो में कोई समय व्यस्त नहीं होगा। आपने हमारा वीडियो देखा तो गारंटी आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा, जिससे आपका फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता। अब दोस्तों इसमें हम क्लिप लगाते हैं। अब क्लिप यहाँ पे है नहीं, मैं जाके लेके आता हूँ क्योंकि मैं एक क्लिप लिया नहीं था, इसलिए वीडियो को हम 1 मिनट को रोकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए हमने क्लिप लाया, अब क्लिप लगा देते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं था क्लिप गया हुआ है, इसलिए मैं क्लिप लेके नहीं आया था।
दोस्त एक बार चेक कर रहे हैं, फिर से कॉल लगा दें लास्ट में। हाँ दोस्तों में टेप मार दिया, दोबारा से हिला दे, कुछ कचरा गिरा तो गिर जाए, नहीं फिर आवाज़ में आवाज़ करेगा, फिर दोबारा खोलना पड़ सकता है। बस दोस्तों थोड़ी सावधानी रखें, काम करना बेहद आसान है दोस्तों, मुझे काम करने में कोई भी असुविधा नहीं होती कभी भी, क्योंकि एकदम अपना काम करने का तरीका बड़ा सिस्टमेटिक है। इसे मैं बोलता हूँ कि आप भी काम करें तो अपने काम का तरीका एकदम सिस्टमेटिक रखें, आपके काम करने हैबिट रहेगी ना, कौन सा काम किस तरह करते हैं आप हमेशा, तो एकदम आसानी काम हो जाता है। और काम जब भी करें तो एकदम ध्यानपूर्वक करें, एकदम पूरा पूरे ध्यान से काम करें। ये देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा रेडी मिक्सर। अब दोस्तों इससे हम फिर से ऑयल डाल देते हैं ताकि जो हमारा कापूस है उसमें ऑयल अंदर चले जाए और उसकी लाइफ हमेशा बनी रहे। दोस्तों हम लोग कपड़ों को ठोक देते हैं, एक बार कपड़ों बैठ गया हमारा, इसको एक बार हम फाइनल चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा क्या चीज़ आपको समझ में आया क्या चीज़ नहीं आया। अगर कोई चीज़ समझ में ना आया तो कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कमेंट का सावधानी समाधान करने का। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।